हिमांशु की मां राजनेता और पिता इंश्योरेंस कंपनी के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। हिमांशु की सफलता से परिवार बेहद खुश है। ये सफलता मिलने से पहले हिमांशु दर्जनों बार कई कंपनी से रिजेक्ट हो चुके थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जिन सब्जेक्ट्स के कारण उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था, उन्होंने उन पर अपनी पकड़ मजबूत की। इसके बाद उन्हें ये सफलता हासिल हुई है। बहुत ज्यादा खुश हूं मैं आज जो अचीव किया है मैंने उससे। शुरू से बहुत डिफिकल्टीज रही थी चीजों के अंदर, पढ़ने में, टाइम के साथ में, और मैं कॉलेज अटेंडेंस में, एप्लीकेशन सीखने में, और मैं तो हर चीज को अपना कोपअप करना पड़ता था। एक मेंटल स्टेट आता था जहां पे बहुत टेंशन हो जाता था। वहां पे मेरे पेरेंट्स ने बहुत हेल्प करी है, मेरी मम्मी ने हेल्प करी है। मेरी मम्मी राधा शुक्ला पार्षद हैं, पॉलिटिशियन हैं। उन्हें बहुत कम वक्त मिल पाता है, लेकिन जब भी वक्त मिलता है उन्हें, वो मुझे अपना पूरा वक्त देती है। मेरे पापा फील्ड से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल वो मेरे को टेक्निकल चीजों के अंदर काफी गाइडेंस देते हैं। जब भी किसी भी चीज के अंदर मुझे प्रॉब्लम आती है, मैं डिफिकल्टीज फेस करता हूं, मेरा बड़ा भाई है सौरभ शुक्ला, वो एलन में लेक्चरर है, तो उससे पता है कि कैसे स्टूडेंट से डील करते हैं और करते हैं, तो वो मुझे आके बहुत अच्छे से कंफर्ट और अश्योरेंस फील कराता है कि सब ठीक है। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि आज माता पिता, हर एक माता पिता की यही इच्छा रहती है कि उनके बच्चे आगे बढ़े और नाम रोशन करें हमारे परिवार का। और मैं इसके लिए हमारे ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, और बड़ों के आशीर्वाद से आज ये जो अच्छा दिवस हमारे परिवार के लिए आया है, और मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ हम इसकी जीत कॉलेज के सभी गुरुदेव को, टीचर्स को, जिन्होंने इसको इतना पढ़ाया और आगे बढ़ाया। मेरे को आज बहुत खुशी महसूस हो रही है इसके अचीवमेंट से। निश्चित रूप से हमारा परिवार बहुत गौरवान्वित फील कर रहा है, और ये बहुत अच्छा काम करके वापस हिंदुस्तान के लिए भी कुछ काम करेगा आकर के, तो वो राष्ट्र के लिए भी अच्छा एक योगदान रहेगा। केवल ब्रांड रैंड नहीं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ वापस आकर के देश में भी मेक इन इंडिया।